बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान लगातार हंगामा हो रहा है। आज भी सदन में हंगामा होने के आसार है। अलग अलग तरीके से कांग्रेस राहुल गांधी के मसले पर चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन करेगी। एक तरफ जहां कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, वैसे में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बीजेपी भी शराबबंदी और अपराध के मुद्दे पर हंगामा करेगी। सोमवार को पक्ष और विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। एक तरफ बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर बीजेपी ने विधानसभा के अंदर और बाहर हंगामा किया। वहीं राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस के विधायकों ने भी जमकर हंगामा किया। यहां तक कि सत्तारूढ़ दल होने के बावजूद कांग्रेस के विधायक विधानसभा के वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन और आंदोलन कर रही है। वहीं बीजेपी विधानसभा के अंदर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को विधानसभा का बजट सत्र के दौरान 19वीं बैठक है। इस दौरान प्रश्नोत्तर काल में अनुसूचित तारांकित शून्यकाल के प्रश्न भी लिए जाएंगे। पिछले दिनों ध्यानाकर्षण में पूछे गए शिक्षा विभाग, विधि विभाग और स्वास्थ्य विभाग के प्रश्नों का उत्तर सरकार देगी। वहीं दूसरी पाली में बिहार नौकाघाट बंदोबस्ती साथ ही प्रबंधन विधेयक 2023 का प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता सदन के सामने रखेंगे। मंत्री आलोक कुमार मेहता इस विधेयक को पुनः स्थापित करने की अपील करेंगे। इस विधेयक पर विधानसभा में डिबेट किया जाएगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। उसके बाद इस विधेयक को पास करने का प्रस्ताव सदन के सामने रखा जाएगा। चूंकि विशेष परिस्थिति में विधेयक को पास करने के लिए सदन के अंदर वोटिंग की जाती है। हालांकि सत्तारूढ़ दल इस वोटिंग में जीत हासिल करता है। बताते चलें कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान लगातार हंगामा हो रहा है। आज भी सदन में हंगामा होने के आसार है। अलग अलग तरीके से कांग्रेस राहुल गांधी के मसले पर चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन करेगी। एक तरफ जहां कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, वैसे में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बीजेपी भी शराबबंदी और अपराध के मुद्दे पर हंगामा करेगी। सोमवार को पक्ष और विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। एक तरफ बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर बीजेपी ने विधानसभा के अंदर और बाहर भी हंगामा किया। वहीं राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। यहां तक कि सत्तारूढ़ दल होने के बावजूद कांग्रेस के विधायक विधानसभा के वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन और आंदोलन कर रही है। वहीं बीजेपी विधानसभा के अंदर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर पांचवी तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर आठवीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर दसवीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।